सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप। और गाइस, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा धमाकेदार, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट 22 सीरीज़ के ही सेकंड मॉडल के बारे में, यानी कि S22 के बारे में। और यहाँ पे सैमसंग S22 जो है वो मेरे पास आ चुका है। और गाइस, अभी तक आई थिंक शायद मैं अगेन फर्स्ट यूट्यूबर हूँ जो कि आपको S22 की वीडियो भी सबसे पहले लेके आ रहा है। यहाँ पे अभी किसी भी यूट्यूबर ने S22 अल्ट्रा की वीडियो नहीं डाली है, और अभी तक S22 की वीडियो भी नहीं डाली। इंडियन यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, बाहर वाले यूनिट की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडियन यूनिट की। तो यहाँ पे आपका भाई दोनों ही वीडियो आप लोगों के लिए बहुत पहले लेके आ चुका है। और अगर आप लोगों ने मेरी अभी तक S22 अल्ट्रा वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा है, वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं, बट इस वीडियो के बाद। और साथ ही साथ बात करेंगे सरप्राइज गिव अवे के लिए जो है आप लोगों के लिए, और सरप्राइज गिव अवे होने वाला है बहुत ही बढ़िया। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आपको इस टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोज के अपडेट मिलते रहे जैसे हम उसे अपलोड करें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज न्यूश एंड यू आर वाचिंग टेक विद न्यूश। डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सैमसंग S22 है ये बहुत ही ज़्यादा मेटल फ्रेम के साथ आता है। साइड से आप देख सकते हो, जैसे मेरे पास व्हाइट कलर है इसका, साइड बिल्कुल ही जो इसकी शाइनी है। और वहीं अगर हम बात करते हैं लुक की, तो लुक में कोई खास फर्क नहीं है, लास्ट जनरेशन के जैसे ही आपको डिज़ाइन मिलने वाला है। 22 अल्ट्रा में आपको जो है डिज़ाइन थोड़ा सा लास्ट जनरेशन से चेंज कर दिया है, बट आपको यहाँ पे S22 में जो डिज़ाइन है वो S21 वाली रखा गया है। जो डिफरेंस है वो मेजर इसकी डिस्प्ले में डिफरेंस है, जैसे कि मैं आपको आगे भी बताने वाला हूँ। और अगर वही बात करते हैं इसमें की डिटेलिंग की, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी की जो है वो देखने के लिए नहीं मिलती है। उसके अलावा आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो है यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन के स्विच मिलते हैं, साथ में आपको यहाँ पे लॉक ऑन ऑफ का बटन जो है वो देखने को मिलता है। नीचे की तरफ अगर हम बात करते हैं, नीचे की तरफ आपको यहाँ पे जो है एक सिम ट्रे आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक माइक मिल जाता है, और एक आपको यहाँ पे USB टाइप सी पोर्ट मिल जाती है, और एक आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाता है। जो इसमें आपको सिम ट्रे मिलती है वो हाइब्रिड नहीं है, ड्यूल सिम प्लस मेमोरी कार्ड यानी ट्रिपल कार्ड स्लॉट नहीं है। यहाँ पे आपको ओनली ड्यूल सिम का ऑप्शन मिलता है, मेमोरी कार्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे एक सेकेंडरी माइक देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं इस फोन की। और वैसे जो S22 है ये डिज़ाइन वाइज तो मुझे जो इसका लास्ट जनरेशन का S21 था उसके जैसे सिमिलर लग रहा है, कुछ खास मुझे यहाँ पे चेंजेस नहीं लगे हैं। हाँ, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैटी शाइनी यहाँ पे जो बैक मिलने वाली है। अगर बैक की बात हो ही रही है तो बैक के प्रोडक्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का सपोर्ट मिलेगा बैक में भी और फ्रंट में भी। और वहीं अगर बात करते हैं साइडों की, तो साइड्स में आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम मिलने वाली है। एक बार चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको साइड में भी जो है एल्यूमिनियम फ्रेम मिलने वाली है, बिल्कुल ही ग्लोसी फ्रेम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। और ये मेरे पास व्हाइट कलर है, आप लोग देख सकते हो। बट एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे चेंज जो किया गया है, इसका साइज में आपको चेंजिंग मिलने वाली है। यहाँ पे अब आपको जो है 6.2 इंच की जगह अब आपको यहाँ पे 6.1 साइज दे दिया गया है, यानी कि डिस्प्ले जो है वो 0.1 इंच आपको कम कर दी गई है। और वहीं पे अगर डिस्प्ले की बात करूँ मैं, डिस्प्ले कम तो की है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे बैटरी भी कम कर दी है। यहाँ पे अब आपको पहले की तरह 4000 mAh की बैटरी नहीं मिलती, यहाँ पे आपको 3700 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि बैटरी में भी 300 mAh को कम कर दिया गया है। और यहाँ पे आपको 15 V की वायरलेस चार्जिंग मिलने वाली है, जो कि आपके S22 प्लस और S22 में दोनों में सेम देखने के लिए मिलने वाली है। जहाँ डिस्प्ले की बात हो रही है वहीं पर डिस्प्ले के रेजोल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 6.1 इंच की फुल HD डायनेमिक 2X AMOLED डिस्प्ले, जो कि आती है आपकी 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, प्लस आपके HDR 10 प्लस को भी सपोर्ट करती है। 1300 इसकी जो है पीक ब्राइटनेस यहाँ पे मिलती है आपको। डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में तो एक आपको बहुत ही बढ़िया फोन यहाँ पे मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है इसका जो साइज है वो कॉम्पैक्ट साइज है। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ अपने iPhone 12 के साथ, तो यहाँ पे आप लोग इसका साइज देख सकते हो, बिल्कुल ही जो सिमिलर साइज है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इवन iPhone 12 इससे 0.12 इंच बड़ा ही लगता है, छोटा नहीं लगता। तो यहाँ पे आपको जो इसका साइज है बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट मिल जाता है, तो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी भी जो है बहुत ही बढ़िया आने वाली है। तो डिस्प्ले क्वालिटी के बाद बात कर लेते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस में अगेन आपको, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, सैमसंग की S22 सीरीज में आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है जो अभी तक आपको नहीं मिला, तो वो है इसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर। यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 8 Gen 1 देखने के लिए मिल जाता है। और ये जो प्रोसेसर है आपका, ये 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे वर्किंग करता है। प्लस अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे GPU की, तो यहाँ पे आपको 730 Adreno देखने के लिए मिल जाता है, यानी लेटेस्ट ही प्रोसेसर के साथ आपको यहाँ पे लेटेस्ट GPU देखने के लिए मिल जाता है। परफॉर्मेंस जो है इस फोन की वो बहुत ज्यादा बिंदास होने वाली है। बात करते हैं वेरिएंट की, तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलने वाले हैं, 8 GB प्लस 128 GB, एंड सेकंड जो वेरिएंट है आपका वो है 8 GB प्लस 256 GB। यहाँ पे आपको कोई भी जो वेरिएंट है वो 12
12 GB वाला देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको दोनों वेरियंट में 8 GB रैम का जो है ऑप्शन मिलने वाला है। और वहीं के बात करते हैं इसके एंड्रॉइड OS के बारे में, तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 12 मिल जाता है और साथ साथ आपको यहाँ पे सैमसंग की One UI 4.1 मिल जाती है जो बिल्कुल ही लेटेस्ट है और एंड्रॉइड 12 के ऊपर बेस्ड है। परफॉर्मेंस तो इस फोन की बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है। आपको यहाँ पे गेमिंग वगैरह आप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से आप यहाँ पे गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 8 Gen 1 प्रोसेसर 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे वर्किंग करने वाला, जो कि बहुत ही बढ़िया आपको परफॉर्मेंस यहाँ पे देने वाला है। और लास्ट जनरेशन के मुकाबले आपको यहाँ पे एग्नोस नहीं मिल रहा, तो एक चीज बेटर है, आपको यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो अप लेवल की मिलने वाली है। परफॉर्मेंस के साथ साथ इस फोन के अब कैमरा सेक्शन की तरफ चलते हैं, क्योंकि कैमरा एक ऐसा पार्ट है जो कि आपका गेम चेंजर फैक्टर हो सकता है। कैमरे में देखेंगे कि सैमसंग S22 अपने गॉड फादर सैमसंग S22 अल्ट्रा को कितना कंपटीशन दे सकता है कैमरे के अंदर। तो एक बार बात करते हैं इस फोन की कैमरा सेक्शन की, तो कैमरा में आपको यहां पे मिलता है 50 MP का मेन कैमरा जिसकी एफ एल यू है 1.8 और ये जो कैमरा आता है ये आपका OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं आपको सेकंड कैमरे की, यहां पे आपको मिलता है 10 MP का टेलीफोटो कैमरा की एफ एल यू है 2.4 और ये अगेन आपका आता है 3x ऑप्टिकल जूम के साथ, जैसा कि आपको S22 अल्ट्रा के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात करते हैं वहीं पे थर्ड कैमरे की, तो थर्ड कैमरा आता है आपका 12 MP का जिसकी एफ वैल्यू है 2.2 और यहाँ पे आप 120 डिग्री तक के अल्ट्रा वाइड जो शॉट है वो कैप्चर कर सकते हैं इस फोन के साथ। और वहीं अगर हम बात करते हैं सैमसंग के S22 के फ्रंट कैमरे की, तो यहाँ पे आपको मिलता है 10 MP का फ्रंट कैमरा जिसकी एफ वैल्यू है 2.2 और अगर बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ पे आपको जो बैक कैमरा से 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है 24 FPS के अंदर, और वहीं पे आपको 4K में 30 और 60 FPS का दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। फुल HD में आपको यहाँ पे 30, 60 और 120 FPS का ऑप्शन मिल जाता है। बात करते हैं अगर फ्रंट कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ पे आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है 30 और 60 FPS के साथ, और वहीं पे आपको फुल HD में 30 और 60 FPS का ऑप्शन मिल जाता है फ्रंट कैमरे में। यहाँ पे आप जो आपको कैमरा मिलता है 10 MP का टेलीफोटो कैमरा है, यहाँ पे आपको जो 10 MP का कैमरा मिलता है टेलीफोटो, ये लास्ट जनरेशन के मुकाबले आपका कम कर दिया गया, क्योंकि लास्ट जनरेशन सैमसंग के S21 में आपको यहाँ पे जो कैमरा था वो 64 MP का मिलता था टेलीफोटो लेंस, और यहाँ पे आपको जो है वो मेन कैमरा जो है 50 MP का कर दिया है, और यहाँ पे जो है टेलीफोटो लेंस जो है वो 64 से आपका यहाँ पे कम करके 10 MP का कर दिया है, और जो मेन कैमरा है वो लास्ट जनरेशन के मुकाबले 12 से बढ़ा के 50 MP का कर दिया गया है। कुछ कैमरा सैंपल है जो मैंने सैमसंग के S22 से कैप्चर किए हैं, और गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको सैमसंग S22 की जो क्वालिटी है वो कैसी लगी है। हालांकि मैं आपको क्लियरली एक बात बताता हूँ कि जो इसका गॉड फादर S22 अल्ट्रा वो एक तरह से कैमरा फोन ही है, लगा सकते हो आप परफॉर्मेंस के साथ वो कैमरा फोन ही है, उसमें आपको काफी सारे ऑप्शंस कैमरा के मिल जाते हैं। हालांकि यहाँ पे S22 में इतना कुछ नहीं है, बट फिर भी कैमरा के अंदर यार जो इसकी पिक्चर्स हैं वो बहुत ज्यादा बेटर लगी मुझे। बट सबसे बढ़िया बात यार इस फोन का जो मुझे साइज लगता है, कॉम्पैक्ट साइज आपको यहाँ पे मिल जाता है, आपको इजिली डेली रूटीन में ये जो साइज है बहुत ही बढ़िया लगने वाला है, क्योंकि काफी ऐसे लोग होते हैं जो साइज को मैटर करते हैं, उनके लिए बहुत बल्कि बल्कि फोन को लाइक नहीं करते, जैसे कि मैं खुद हूँ, मैं बल्कि फोन को लाइक बिल्कुल भी नहीं करता और मुझे जो है कॉम्पैक्ट साइज चाहिए होता है। तो अगर मैं इस फोन को साइज के अकॉर्डिंग मैटर करूँ तो यार ये जो फोन है वो ज्यादा बेटर लगेगा मुझे एज कम्पेयर टू S22 अल्ट्रा। बट हाँ, अगर मुझे कैमरा परफॉर्मेंस चाहिए और मुझे बड़ा फोन चाहिए तो देन मैं जाऊंगा S22 अल्ट्रा की तरफ। तो एट द एंड गाइस अगर मैं बात करता हूँ खुद के ओपिनियन की, तो यहाँ पे जो सैमसंग S22 है ये बहुत ही बढ़िया फोन है। आपको कॉम्पैक्ट साइज है, आपको यहाँ पे 6.1 इंच की स्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है, आपको प्रोसेसर बहुत अच्छा मिल जाता है, आपको यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 मिल जाता है आपको देखने के लिए, 128 GB मेमोरी मिलती है, 8 GB रैम आपको यहाँ देखने के लिए मिलती है, 3700mAh की बैटरी आपको मिल जाती है, 25W के फास्ट चार्जिंग के साथ आपको यहाँ मिल जाती है। उसके अलावा आपको यहाँ पे जो है लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 देखने के लिए मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग आपको यहाँ पे देख लेते हैं, प्रोडक्शन में आपको यहाँ पे IP68 का सपोर्ट भी देख लेते हैं, यानी कि ये जो फोन है आपका ये डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट फोन आपको देखने के लिए मिल जाता है, यानी आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल जाता है, छोटा पिचकू पैकेट आपको यहाँ पे कंप्लीट मिल जाता है। सबसे पहले जो है सैमसंग S22 ये अपने लुक और डिजाइन और कॉम्पैक्ट साइज की वजह से
अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एक कस्टमर को। तो अगर आप लोग सैमसंग के फैन हैं और आप लोग भी चाहते हैं कि सिक्योर फोल्डर यूज करना या फिर इस टाइप के कॉम्पैक्ट साइज को यूज करना, तो डेफिनेटली आपको सैमसंग का S22 जो है वो परचेस करना चाहिए, क्योंकि अब आपको स्नैपड्रैगन भी मिल जाता है इसके बीच में, तो एक्सनियस वाला कोई टेंशन नहीं है। तो यार कॉम्पैक्ट साइज में आपको बीस्ट परफॉर्मेंस इस फोन में देखने के लिए मिलने वाली है गाइस। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो आप लोग, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों के साथ S22 की वीडियो में लेके आया हूँ, तो यार जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आप लोग भी हमारी इस टेक फैमिली का मेंबर बन सके। और काफी सारे चैनल के ऊपर गिव अवे चल रहे हैं, आप लोग उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। जहां पे गिव अवे की बात हो ही गई है तो इस वीडियो में भी आप लोगों को मिलने वाला है गिव अवे। और वो क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहां पे हम लोग जो है करने वाले हैं गिव अवे आप लोगों के लिए। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जाके हमारे चार स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करना है, सेकंड हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना है, थर्ड हमारे फेसबुक पेज को जाके लाइक करना है, फोर्थ आपको हमें ट्विटर के ऊपर जाके फॉलो करना है। तो ऐसे फटाफट से जाके ये चारों एंट्री डन कर देना, क्योंकि तभी आप लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर पाओगे गिव अवे के अंदर। और ग्लीम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पे अपनी एंट्री को जाके रजिस्टर कर देना। और वैलिड एंट्री ही काउंट होगी, इनवैलिड एंट्री काउंट नहीं होगी, तो प्लीज वैलिड एंट्री ही करना, इनवैलिड एंट्री मत करना। तो गिव अवे के लिए गाइस आपका क्वेश्चन यही है, आपको बताना है कि क्या ऐसे चार चेंजेस जो सैमसंग ने S22 के अंदर किए हैं अपने लास्ट जनरेशन S21 के मुकाबले। तो अगर आप लोगों ने गाइस वीडियो देखी है तो मैंने क्लियरली बताया हुआ है S21 के अंदर आपको क्या कुछ नहीं मिलता जो आपको S22 के अंदर मिलता है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो आपको इसलिए पता लग जाएगा कि मैंने आप किन क्वेश्चंस के बारे में बात की है। और अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी क्लियरली तो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर नहीं मिलने वाला, तो प्लीज जल्दी जाकर वीडियो को अगेन देखो ताकि आप लोगों को जो आपके गिव अवे के क्वेश्चन है वो मिल सके। और गिव अवे विन करने के लिए आप लोगों को नीचे कमेंट भी करना जरूरी है, अपना प्यारा सा कमेंट करना और जेन्युइन कमेंट करना आप लोगों को सैमसंग के S22 के अंदर क्या चीज अच्छी लगी है, जिससे हम लोग जो है पिक कर सके आपके रैंडम कमेंट को भी और गिव लिंक को भी मैच कर सके, ताकि हमें पता लगे कि आप लोगों ने वीडियो देखी है और हम लोग जो है एक गिव अवे विनर अनाउंस कर देंगे। जैसे ही हमारे जो है इस वीडियो के ऊपर 5000 व्यूज हो जाते हैं तो आप में से किसी एक लकी सब्सक्राइबर को मिलने वाला है मेरी तरफ से सरप्राइज गिव अवे। और सेकंड सरप्राइज गिव अवे हम लोग जो है करने वाले हैं इसी वीडियो के ऊपर, जैसे ही हमारे 20,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे देन हम जो है अपना सेकंड गिव अवे करने वाले हैं इस वीडियो के ऊपर, जो अगेन होगा सरप्राइज गिव अवे मेरी तरफ से। तो होप सो गाइस आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया, अगर एंजॉय किया तो यार इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि उन तक भी जो है सैमसंग S22 की इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो लोग भी हैं जो हमारी टेक फैमिली का मेंबर बन सके आप लोगों के सपोर्ट से। तो ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई हो, पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। तब तक मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।